हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप। आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस प्री टाइम बैच, ध्यान रखिएगा, प्री टाइम बैच के इकोनॉमिक्स की हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। अच्छा, जो हमारी पहली क्लास हुआ था, लेक्चर नंबर जो 1 हुआ था, उस क्लास के अंतर्गत हमारा जो पूरा टॉपिक था वो टॉपिक था इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। इस पूरे पॉइंट को हमने समझने का प्रयास किया था, ठीक है। मैंने दो तरीके से आप लोगों को इन्फ्लेशन की कैटेगरी समझाई थी कि भाई देखो, एक जो इन्फ्लेशन होता है वो उसके रीजन की वाइज हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। वो किस कारण से उत्पन्न हुआ, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और आप यहां पर देखा था आपने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो तीन प्रकार के इन्फ्लेशन आपने यहां पर पढ़े थे। आपने यहां पर एक पॉइंट और देखा था कि इन्फ्लेशन को मैनेजमेंट करने में आरबीआई की और गवर्नमेंट की दोनों की भूमिका यहां पर होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आज की पहली क्लास शुरुआत के 10 मिनट में मैं आप लोगों के साथ एक काम बस ये कर रहा हूं कि जो हमने पिछली क्लास में चीजें पढ़ी थी उसका रिवीजन कर रहे हैं। हर क्लास में एक चीज नहीं होगा, हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ये काम खुद से करना पड़ेगा। आपने पिछली क्लास किया था, आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, मैंने आपके साथ कुछ नोट्स शेयर भी किए हुए थे, ठीक है। वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रॉपर उसका रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट की क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट में कल की पुरानी जो क्लास हुई थी उसका प्रॉपर यहां पर रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान देना भाई। तो हमने देखा था कि जो इनको मैनेजमेंट करने के लिए, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट की दोनों की भूमिका यहां पर होती है। फिर मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन बताया कि भाई रेट के आधार पर, ठीक है, जो उसकी दर होती है उसके आधार पर भी इन्फ्लेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं कई प्रकार से, ठीक है। मैंने चार कैटेगरी आप लोगों को बताई देती है, 3 से 5%, 5 से 10%, 10 से 30%, और 30 से ज्यादा प्रतिशत वाली जो कैटेगरी थी इन्फ्लेशन की, उसके आधार पर मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन के प्रकार डिवाइड किए थे, ठीक है। मैंने क्या बताया था भाई, जो सबसे कम रेट वाली इन्फ्लेशन होगी उसको हम लोग कहेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिर मैंने आप लोगों को वॉकिंग इन्फ्लेशन बताया था, ठीक है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन बताया था। मैंने आप लोगों को रन अवे, भागती हुई मुद्रास्फीति बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपर और गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। ये चार कैटेगरी यहां पर हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत देखा था, ठीक है, ये दर के आधार पर था। इसके बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था भाई कि देखो, जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम लोग कई नाम से और जानते हैं, कई उसे अन्य प्रकार होते हैं, छोटे छोटे प्रकार होते हैं, सुनने में बहुत सिंपल से लगते हैं, बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और उन्हीं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था, जैसे कि आप लोगों का एक टॉपिक था स्टैगफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन मैंने डिस्कस किया था। फिर अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है, और इसके बाद रिफ्लेशन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो चार प्रकार यहां पर थे, ठीक है, पुनर्स्फीति था आप लोगों का, अवस्फीति था, अपस्फीति या मुद्रा संकुचन था, और आप लोगों का समृद्धि रहित मुद्रास्फीति थी, ठीक है। तो चार कैटेगरी यहां पर आप लोगों की बनती है। उम्मीद कर रहा हूं कि चारों के प्रॉपर आप लोगों को अर्थ पता होंगे, क्या क्या चीजें होती है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है, वो आप लोगों को अभी भी याद होगा। जिनको नहीं याद आ रहा है, ध्यान रखना, जिनको ये टॉपिक याद नहीं आ रहे हैं कि अच्छा सर ने ये भी कभी पढ़ाया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, कल रात को मैं जब सोया तो मुझे सुबह उठा तो मैं सब कुछ भूल चुका था। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो दो काम करें, पहली संघ पुष्पी लेना प्रारंभ करो, याददाश्त आप लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है, बादाम का सेवन करना प्रारंभ कर दो। दूसरा एक काम आप लोग ये कर सकते हो कि क्लास में आने से पहले जो भांग का सेवन करते हो वो सेवन करना बंद कर दो, ठीक है। यहां पर आने से पहले आप लोग 5 मिनट का रिवीजन करके आओ, आप लोगों को चीजें प्रॉपर याद होंगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बहुत बेसिक से इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस किया हुआ था। सिंपल सी बात, एकदम क्लियर। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक मैंने यहां पर आप लोगों से और डिस्कस किया था, जहां से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, जल्दी से सोचो क्या टॉपिक था भाई, फिलिप्स कर्व। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों से फिलिप्स कर्व, फिलिप्स वक्र के बारे में डिस्कस किया था कि भाई देखो इन्फ्लेशन को, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाते हुए एक ग्राफ बनाया जाता है, और वो फिलिप्स महोदय जो थे उन्होंने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है, मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया था कि स्टैगफ्लेशन के कंडीशन में वैलिड नहीं होता है, वहां पर जो ग्राफ बनता है स्टैगफ्लेशन कंडीशन में वो ग्राफ ऐसे होता है। मैंने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास से, ठीक है। देखो आज की क्लास में हम पढ़ने के वाले हैं, मैंने आप लोगों से कल क्लास में डिस्कस किया था, देखो भाई कि मुद्रास्फीति जो होती है, जो इन्फ्लेशन होता है, वो एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिक्स में जब चुनाव नजदीक आता है तो पूरा मुद्दा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पर आ जाता है, ठीक है। आप देखो वहां पर टर्म मुद्रास्फीति का प्रयोग भले वो लोग नहीं करते, लेकिन वहां पर एक प्रयोग करते शब्द महंगाई, जो कि सिमिलर अर्थों में, ठीक है, मुद्रास्फीति के समान होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग मुद्रास्फीति और महंगाई को यहां पर सिमिलर मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो टर्म है ना, वो टर्म आप लोगों का हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इसीलिए मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। देखिए, पहला जो मेथड होता है वो इंडेक्स के आधार पर होता है, उसको हम लोग कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों से एक टॉपिक को डिस्कस किया था CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और एक होता है आप लोगों का थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब समझो भाई ये अंतर क्या क्या चीजें होती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब क्या हो गया,
थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और पीपीआई मतलब क्या हो गया आप लोगों का कि प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मतलब यहां पर क्या हो गया उत्पादक मूल्य सूचकांक हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें इस प्रकार से होती है। भारत में पीपीआई का प्रयोग अभी नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोग, भारत में पीपीआई का प्रयोग नहीं होता है। भारत में वर्ष 2013 तक डब्ल्यूपीआई को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या करते थे, ठीक है, महंगाई को निर्धारण करने के लिए, मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद से, 2014 में एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी का नाम था उर्जित पटेल कमेटी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने कई सारी सिफारिशें की और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका, इसी ने, ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने, अगर आप लोगों को पता होगा तो मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, एमपीसी की स्थापना करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो अभी जो एमपीसी होती है वो यहीं से निर्माण इसका प्रारंभ हुआ था। बात है क्लियर? अब डिफरेंस समझना डब्ल्यूपीआई सीपीआई पीपीआई में होता क्या है। दरअसल हम लोग करते गए ना इस पूरे इंडेक्स के मेथड में, हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की बात करेंगे, पीपीआई की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पीपीआई भारत में कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है। देखो भाई, जैसे मानो चीजों को समझना, मानो एक वस्तु है, ठीक है, जब जिसका प्रोडक्शन हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी, ठीक है। 100 रुपए से प्रोडक्शन के बाद, ठीक है, जब वो मार्केट में आया तो वोल सेल में, ठीक है, थोक मार्केट में उसकी जो प्राइस थी वो 125 रुपए थी यहाँ पर, ठीक है। और जब वो थोक मार्केट से रिटेल मार्केट में आया, ठीक है, खुदरा मार्केट के अंतर्गत आया, जिससे कि उपभोक्ता डायरेक्ट यहाँ से चीजों को खरीदता है, ध्यान रखना जो उपभोक्ता चीजों को खरीदता है ना वो डायरेक्ट रिटेल मार्केट से खरीदता है। हम और आप रेगुलर होलसेल मार्केट में जाकर के सब्जियों को खरीद करके नहीं ले आते हैं, वो सब्जी बेचने वाले रहते हैं जो कि होलसेल मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, वहां सब्जी खरीद करके लेकर के आते हैं और आपके घरों में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो होलसेल मार्केट में, ठीक है, प्राइस मानो 125 रुपए है तो रिटेल मार्केट में उसकी प्राइस 150 रुपए होगी, ठीक है। तो यहां पर आप प्राइस में अंतर देख रहे हो, ठीक है, यहां पर आप क्या देख रहे हो, प्राइस में अंतर देख रहे हो। और जो रिटेल मार्केट में जो प्राइस होता है उसको हम लोग कहते हैं सीपीआई, यहां से कैलकुलेट की जाती है। देखो समझना क्यों भाई, ये बताओ अगर हम होलसेल मार्केट का प्रयोग करें मुद्रास्फीति कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पर जो एक वस्तु का रेट दिखा रहा है वो 125 रुपए है, क्या ये वही रेट है जिस पर कोई कंज्यूमर वस्तु खरीद रहा है? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर जिस पर वस्तु को खरीद रहा है वो इस होलसेल रेट से अलग होती है, वो रिटेल रेट होती है, रिटेल मार्केट की रेट होती है। इसीलिए डब्ल्यूपीआई को हटा करके सीपीआई को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। तो 2014 से सीपीआई कॉन्सेप्ट भारत में फेमस हुआ है और ये यहां से आगे बढ़ता है। अब ध्यान देना, दो तीन बातें और समझना, ठीक है। जो डब्ल्यूपीआई है उसको जारी कौन करता था? उसको जारी अभी भी जारी होता होगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो वाणिज्य मंत्रालय है, ठीक है, वो इसको यहां पर क्या करता है, पब्लिश करता है। अच्छा, इन सब में होता क्या है, डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत एक सबसे बड़ी कमी और थी कि यहां पर सर्विस को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, सेवाओं को शामिल नहीं किया गया था। और आप लोगों को पता है किसी भी उपभोक्ता के जीवन में, ठीक है, जितनी महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उतनी ही महत्वपूर्ण सेवाएं भी होती हैं। आप एजुकेशन सेक्टर की सेवा ले लो, आप हेल्थ सेक्टर की सेवा ले लो, आप मनोरंजन सेक्टर की सेवा ले लो, आप रेस्टोरेंट की सेवा ले लो, वो सारी सेवाएं पर भी उपभोक्ता खर्च कर रहा होता है। अगर हम डब्ल्यूपीआई में उसको शामिल ही नहीं करते तो महंगाई का जो रियल रेट है, जो महंगाई का रियल स्तर है, क्या वो उनको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसीलिए डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस करके सीपीआई भारत में लागू किया गया 2014 से, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने आप लोगों को दो बातें बता दिया, मैंने बताया कि डब्ल्यूपीआई को जारी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अच्छा, इसमें होता क्या था, ठीक है, इन दोनों सूचकांक में होता क्या है, एक बास्केट तैयार किया जाता है, ठीक है, और उस बास्केट में कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को डब्ल्यूपीआई की बताऊं तो डब्ल्यूपीआई में एक प्राइमरी गुड्स का सेक्शन था, एक मैन्युफैक्चर्ड गुड का सेक्शन था, और एक आपका फ्यूल और अदर चीजों का यहां पर सेक्टर बना दिया गया था, ठीक है। अच्छा, इनमें करते क्या थे हम लोग, कुछ कुछ मात्रा में वस्तुओं को हम रखते थे कि हाँ भाई एक उपभोक्ता एक महीने में या फिर एक साल में, ठीक है, 10 मैन्युफैक्चर्ड गुड खरीदेगा या फिर 4 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करेगा, ऐसा हमने एक बास्केट तैयार किया और उस बास्केट की प्राइस को हम हर समय कैलकुलेट करते थे। अच्छा, जैसे मानो मार्केट में अगर आज इस बास्केट की प्राइस 1000 रुपए है और कल को इसकी प्राइस बढ़कर 1500 रुपए हो गया, तो मतलब क्या कि यहां पर इन्फ्लेशन आ चुका है, यहां पर इन्फ्लेशन आ चुका है, ये सिंपल बात यहां पर कैलकुलेट की जाती थी, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूपीआई में समस्या क्या थी कि भाई उपभोक्ता इस रेट पर नहीं खरीदता था क्योंकि ये थोक मार्केट का मूल्य था, हम लोग खरीदते थे जो मार्केट से सब्जियां, जो सब्जियां या फिर उत्पाद वो रिटेल मार्केट की वस्तुएं होती थी, ठीक है। तो उसके लिए सीपीआई लेकर के आया गया, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेकर के भारत के अंतर्गत लागू किया गया, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा भाई कि सर आपने डब्ल्यूपीआई को तो बता दिया कि डब्ल्यूपीआई जारी कौन करता है, ठीक है, लेकिन सीपीआई कौन जारी करता है आपने ये डिस्कस ही नहीं किया। भाई देखो, मैं सीपीआई के बारे में बताता हूँ, सीपीआई का समझना थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा टफ है, समझने का प्रयास कर, ठीक है। जब सीपीआई को पहले प्रारंभ किया गया ना तो सीपीआई 4 प्रकार से जारी की जाती थी, ठीक है। कौन कौन सी सीपीआई होती थी भाई, देखने एक बार आप लोग। एक होता था सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर,
ठीक है, एक होता है सीपीआई फॉर द एग्रीकल्चर लेबर, और एक होता है सीपीआई फॉर द ग्रामीण लेबर, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का सीपीआई फॉर द अर्बन नॉन मैनुअल इंप्लॉइज, ठीक है, अर्बन नॉन मैनुअल इंप्लॉइज, ये चार कैटेगरी होती थी। याद करने के लिए परेशान मत होना, याद करना नहीं है, इसीलिए मैं बहुत सिंपल अर्थ में बता रहा हूं, याद रखना। अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में ये जो तीन है, ये जो तीन सीपीआई है ना, इन तीन सीपीआई को अब जारी नहीं किया जाता है, ठीक है, इन तीन सीपीआई को अब जारी नहीं किया जाता, तो इनको भूल जाओ आप लोग, सिंपल सी बात, ठीक है। इन तीनों के स्थान पर नए तीन सीपीआई जारी किए जाने स्टार्ट किए गए, एक था आप लोगों का सीपीआई अर्बन, ठीक है, एक था सीपीआई अर्बन, एक था आप लोगों का सीपीआई रूरल या फिर ग्रामीण, ठीक है, और एक आप लोगों का सीपीआई मिक्स्ड या फिर इसको मैं कहूँ संयुक्त या फिर कंबाइंड, ठीक है, सीपीआई संयुक्त, ठीक है। अब ये तीन जारी किए जाते हैं, तो अभी वर्तमान में कितने सीपीआई जारी होते हैं, चार प्रकार के, कौन कौन से भाई, एक होता है आप लोगों का इंडस्ट्रियल वर्कर का, एक सीपीआई अर्बन, एक सीपीआई ग्रामीण, एक सीपीआई संयुक्त, ठीक है। तो ये चार सीपीआई वर्तमान में जारी किए जाते हैं। अब देख लो इनको जारी कौन कौन करता है, ठीक है, इनको जारी कौन कौन करता है, एक बार इसको भी आप लोग जल्दी से देख लो। इंडस्ट्रियल वर्कर, चूंकि यहां पर वर्कर शब्द आ रहा है, तो वर्कर शब्द आते ही ये काम आ जाएगा आप लोगों का श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि वर्कर को मैनेज करने का काम, श्रम को मैनेज करने का काम कौन करता है, श्रम मंत्रालय करता है। तो जो लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक लेबर ब्यूरो एक संगठन था, ठीक है, एक लेबर ब्यूरो संगठन है, वही इंडस्ट्रियल वर्कर का जो कॉन्सेप्ट होता है सीपीआई के अंतर्गत उसको जारी करता है। अब बात समझना आप लोग, थोड़ा सा बात समझने का और प्रयास करना। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ठीक है, जो सीपीआई जारी होता है, इसका जो बेस ईयर होता है वो होता है वर्ष 2016, ठीक है, वर्ष 2016। अभी वर्तमान में आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं, फिर जब आप सरकारी नौकरी में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर एक महंगाई भत्ता कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, एक महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता है। तो महंगाई भत्ता को कैलकुलेट करने के लिए जिस इंडेक्स का हम प्रयोग करते हैं वो होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, और ये जारी कौन करता है, लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत एक निकाय, एक संगठन है। बात क्लियर हो गया। बाकी बचे तीनों सीपीआई, ठीक है, सीपीआई अर्बन, सीपीआई ग्रामीण और सीपीआई मिक्स्ड या फिर कंबाइंड या फिर संयुक्त, ठीक है, इन तीनों को जारी करने का काम कौन करता है, एनएसओ। एनएसओ जो है ये कहां पर आएगा आप लोगों का, तो मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी है ना, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इस मंत्रालय के अंतर्गत एक निकाय है, इसका नाम है एनएसओ। आप लोगों को पहले पता होगा कि पहले दो निकाय थे, एनडब्ल्यूएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मिलाकर के वर्ष 2019 में एनएसओ की स्थापना किया गया, किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आप लोगों का मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, बात क्लियर है ना। सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, मॉस्पी मंत्रालय जो होता है, उसी के अंतर्गत एक निकाय है, एक संगठन, इसका नाम है एनएसओ। यही एनएसओ जो होती है वो सीपीआई के बाकी तीनों प्रकारों का कैलकुलेशन करती है, बाकी तीनों प्रकारों को जारी करती है। इन तीनों प्रकारों के लिए जो बेस ईयर है, इन तीनों प्रकारों के लिए जो बेस ईयर है वो है 2011-12, 2011-12। तो कुछ पॉइंट्स है एकदम तैयार रखना, एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बनकर के आते हैं। प्रश्न क्या बनेगा भाई, प्रश्न बनेगा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर कौन जारी करता है, लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। और भाई प्रश्न बनेगा कि सीपीआई मिक्स्ड या फिर सीपीआई अर्बन ये कौन जारी करता है, तो एनएसओ, जो कि मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। अगर इन दोनों के बेस ईयर की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है वो है 2016 और बाकी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है। तो आप लोगों को दो तीन बातें ये पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत क्लियर बातें हैं, इनको याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं। WPI का जो बेस ईयर है, ठीक है, WPI का जो बेस ईयर है वो 2011-12 था, हालांकि अब इसकी भूमिका बहुत समाप्त हो चुकी है, इतना महत्वपूर्ण रह नहीं गया है, तो इसका बेस ईयर अभी तक चेंज भी नहीं किया गया, ठीक है। तो दो तीन बातें हैं, अगर सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को हम छोड़ दें जिसका बेस ईयर 2016 है, बाकी सभी का बेस ईयर यहां पर क्या होगा, वो होगा आप लोगों का 2011-12। अच्छा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर बेस ईयर बार बार ये क्या आप बोल रहे हो, ठीक है, ध्यान देना भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो होता क्या है ना, भारत में जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जिस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लास्ट पेयर फॉर्मूला, ठीक है। अब कहोगे सर ये लास्ट पेयर फॉर्मूला कहां से आ गया, जाना सर ये होता क्या है, देखो लास्ट पेयर फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात होती है, होता यह है ये, ठीक है, जैसे मानो अगर हमको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, मानो हमको जनवरी 2023 का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है, तो हम पिछले एक साल जनवरी 2022 में आज की तारीख पर कितना इन्फ्लेशन था उसके आधार पर इस बात को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
तो ये होता है आप लोगों का लेस पेयर फॉर्मूला। भारत में जो कैलकुलेशन होती है वो लेस पेयर फॉर्मूला के बेस पर की जाती है। कई बार हम लोग एक बेस ईयर तैयार कर लेते हैं कि ठीक है अगर हम आज कैलकुलेशन कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वो किसी एक ईयर के आधार पर होगा। तो जब हम एक ईयर के आधार पर करते हैं वहां के उस ईयर से हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को, ठीक है उसको हम लोग कहते हैं बेस ईयर या फिर आधार वर्ष। ये बात क्लियर हो गया। इंडेक्स का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो भाई दो टॉपिक यहां पर आप लोग और बचे हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न बन करके आता है एकदम, मैं श्योर हूं। ठीक है आप लोगों ने प्रश्न देखा भी होगा, संभव है कि आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि टॉपिक होते क्या है। नोट कर लेना भाई, ठीक है नोट कर लेना। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है कोर इन्फ्लेशन। एक होता है आप लोगों का हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है हेडलाइन होती है ना हेडलाइन, ठीक है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। आप कहोगे सर इन्फ्लेशन के इतने प्रकार हमने डिस्कस कर लिए, याद कैसे होगा, याद कैसे होगा? भाई याद करना है, ठीक है क्योंकि प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने इन्फ्लेशन के टॉपिक को एक पूरी क्लास में रखा था। हालांकि वो एक पूरी क्लास हो नहीं पाया, हम लोग का एक क्लास से ज्यादा यहाँ पे लंबी क्लास बन चुकी है, ठीक है लेकिन परेशान नहीं हो रहा है। अब लोग बात समझने का प्रयास करना, कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन याद करना बहुत ही सिंपल है, कोई टफ काम यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है कि टोटल इन्फ्लेशन, ठीक है टोटल इन्फ्लेशन। नोट कर लेना भाई कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब हो गया टोटल इन्फ्लेशन। हेडलाइन है, मेन हेडिंग है ये आप लोगों की, तो जब मेन हेडिंग होगी तो उसके अंतर्गत सभी प्रकार के सब हेडिंग शामिल होगा। बात क्लियर, सभी प्रकार के सब हेडिंग शामिल होगी, इसकी बात यहां पर हम लोग करते हैं। अच्छा तो फिर कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब ध्यान देना, जैसे मानो हमने एक बास्केट तैयार किया और उस बास्केट में जितनी चीजें थी उनकी रेट में चेंजेस को हम इन्फ्लेशन के आधार पर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में होता यह है कि मानो इसमें से वो सब्जियां वो वस्तुएं, ठीक है जैसे जैसे मानो कोई एक वस्तु है जिसका प्राइस बहुत वोलेटाइल है, जैसे मानो सब्जी, ठीक है मानो सब्जी है इसकी प्राइस क्या है भाई, हर दिन चेंज होती है। कभी आज 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, कल 15 रुपए किलो मिलेगा, परसों 25 रुपए किलो मिलेगा, फिर उसका 50 रुपए किलो मिलने लगे और फिर अगले दिन उसका 10 रुपए किलो पर वापस आ जाए, ठीक है। तो प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज होती है, वोलेटाइल होता है। आप ऐसे ही देख लो पेट्रोल की कीमतें, ठीक है पेट्रोल की कीमतें बहुत जल्दी चेंज होती है। तो जब किसी बास्केट में से ऐसी वस्तुओं या फिर सर्विसेज को निकाल दिया जाए, ठीक है जिनकी प्राइस बहुत वोलेटाइल होती है, बहुत जल्दी चेंज होती है, तब उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब क्या, कोर इन्फ्लेशन में केवल वही वस्तुओं का प्राइस कैलकुलेट किया जाता है जिनकी प्राइस एक लंबे समय तक कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की प्राइस लंबे समय तक कांस्टेंट नहीं है तो उसको कोर इन्फ्लेशन में से हम लोग हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और तब जिस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये एकदम अंदर का इन्फ्लेशन है, बात समझना। एक बॉल है, बॉल का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, तो क्या करेगा बाहर निकलता रहेगा, बाहर जाता रहेगा बार बार, ठीक है। अच्छा जो इसके अंदर का चीज है जो कोर है वो बहुत कांस्टेंट है, तो जो कोर कांस्टेंट होता है ना, जो स्थिर रहता है, उसमें जब इन्फ्लेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जब उन वोलेटाइल वस्तुओं को भी, जैसे कि सब्जी पेट्रोल, उनको भी हम लोग शामिल कर लें तो उसको हम लोग कहते हैं टोटल इन्फ्लेशन। यहां पर चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है इंक्लूडिंग कमोडिटी सच एज द फूड एनर्जी प्राइसेस, ठीक है जो कि बहुत वोलेटाइल होते हैं, ठीक है और महंगाई के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ी उनका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ गया, ठीक है। तो उन वस्तुओं को भी जब हम शामिल कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब ये कि हेडलाइन है मोटी मोटी, ठीक है उसके अंतर्गत सभी चीजें शामिल होगी, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है, ठीक है। प्रश्न यहां से बनते हैं भाई, आप सोचोगे सर प्रश्न यहां से नहीं बनेगा तो बहुत बेवकूफी काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक टर्म और आता है, इस टर्म को हम लोग और देखेंगे और इस टर्म को देखते ही हम लोग का इन्फ्लेशन खत्म होगा और हम लोग अपने वास्तव के जो हमारा सेकंड टॉपिक था, ठीक है बेरोजगारी का, उस टॉपिक को देखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। देखो भाई इन्फ्लेशन टैक्स मुद्रास्फीति कर, अब सबको कहोगे सर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती होगी उसको हम लोग कहते होंगे इन्फ्लेशन टैक्स। नहीं, इन्फ्लेशन टैक्स वो नहीं होता है। इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है, दरअसल ये कोई टैक्स होता ही नहीं है। इन्फ्लेशन टैक्स मुद्रास्फीति कर कोई टैक्स होता ही नहीं है। ये होता क्या है कि एक ऐसी क्षति, एक ऐसा लॉस जो किसी कंज्यूमर को, किसी उपभोक्ता को सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण से हो रहा है, ठीक है उसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का इन्फ्लेशन टैक्स। बात समझना, टैक्स की भूमिका क्या होती है, टैक्स का रोल क्या होता है कि मानो कोई कंज्यूमर था, ठीक है कोई कंज्यूमर था, उसकी टोटल इनकम थी 1000 रुपए, ठीक है उसने इसमें से 10 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ठीक है। तो टैक्स ये उसने अपने टोटल इनकम में से किसी को दे दिया,
इसी प्रकार से इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब ये हुआ कि मानो इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, अब इसके पास 990 रुपए थे, इस 990 में से इसने फिर से 90 रुपए इन्फ्लेशन के कारण से सो गवाने पड़ गए, उसी वस्तु के लिए जिसको पहले ये 90 रुपए कम में खरीद सकता था, अब उसको 90 रुपए यहां पर ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये जो प्राइस है ना, जो कि महंगाई के कारण इसके जेब में से निकल गई, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स, ठीक है, मुद्रास्फीति कर। बात समझना, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कि जब महंगाई बढ़ने के कारण से किसी उपभोक्ता के, ठीक है, क्रय क्षमता परचेसिंग पावर में कटौती होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। सिंपल सी बात, एक प्रकार का ऐसा टैक्स जो कि टैक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन उपभोक्ता के ऊपर लगता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही होती है। सिंपल सा ये रोल होता है इसका आप लोगों का, इन्फ्लेशन टैक्स का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है हम लोगों का क्या, ये क्या स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, ये आप लोगों काम की चीज नहीं है, ठीक है। देखो भाई, अब हम लोग जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं ना, उस टॉपिक को बहुत सिंसियरली आप लोग देखना, ठीक है, बहुत सिंसियरली देखना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, ठीक है, आप सभी से जुड़ा हुआ है। कहोगे सर आप इतना इमोशनल कर दिया ऐसी बातें बोल करके, अरे मैं आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ, मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, बेरोजगार व्यक्ति होता क्या है, ठीक है, बेरोजगार व्यक्ति होता क्या है, किसको कहते हैं, पहले ये बात समझने का प्रयास करना। कोई व्यक्ति, ठीक है, जो सक्रियता से, ठीक है, एक्टिवली, ठीक है, जॉब की तलाश कर रहा हो, पहली बात, जॉब की तलाश कर रहा हो एक्टिवली। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग कहते हैं हाँ मैं जॉब की तलाश कर रहा हूं, लेकिन दिन भर पड़े रहते हैं बेड पर, उन लोगों की बात नहीं है। जो एक्टिवली सक्रिय रूप से, ठीक है, ध्यान रखना, जो सक्रियता के साथ जॉब की तलाश करे, पहली शर्त यहां पर यह होगी। दूसरी बात, ठीक है, उसके पास उचित कौशल हो, उसके पास उचित स्किल हो, एक ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई ऐसा कहे मैं डॉक्टर बनने के लिए जॉब की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, और बाद में पता चला कि उसने डॉक्टरी क्या, उसने तो उसने क्लास 12th भी पास नहीं किया हुआ है, तो क्या आप कहोगे उसको बेरोजगार? बिल्कुल नहीं। मतलब कि तुम जिस जॉब की तलाश कर रहे हो, उस जॉब के लिए मार्केट में अवेलेबल, मार्केट में डिमांडेड जो कौशल है, जो स्किल है, वो तुम्हारे पास हो, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक शर्त और होती है, एक शर्त ये होती है कि भाई मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है उस पर इसको जॉब ना मिले, ठीक है। कोई कहे सर मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मैं टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं 1 घंटे का 2 लाख रुपए लूंगा, मैं 1 घंटे का 2 लाख रुपए लूंगा, आप क्या उसको बेरोजगार कहोगे? उसको मूर्ख कहोगे, और कुछ नहीं कहोगे, ठीक है भाई। 2 लाख रुपए 1 घंटे का तो कोई नहीं देने वाला, ठीक है। हालांकि मैं भी दिल्ली गया था, ठीक है, तो मैं जब दिल्ली गया था तो ओपन टेस्ट कराने में दिल्ली गए हुए थे, मैं दिल्ली अकेला था, तो वहां पर जब मैं डिस्कस कर रहा था चीजों से कि एजुकेशन सेक्टर का यहाँ पर हाल क्या है, मुझे पता चला कि वहां पर 1-1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटा ट्यूशन लेने का, वहां पर जो टीचर्स होते हैं वो 10-10 हजार रुपए लेते हैं, सिर्फ 1 घंटा की क्लास का। आपको होम ट्यूशन देने आएंगे, कोई बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान में ट्यूशन देने नहीं आएंगे, ठीक है। आपको होम ट्यूटर जो होते हैं वो 1 घंटे का 10 हजार रुपए लेते हैं। मतलब कितनी बड़ी डिमांड यहाँ पर है प्राइस की, मैं वही कैलकुलेट कर रहा था वहां पर, ठीक है। लेकिन बात समझो, तो बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगार की 3 शर्तें होती है, वो सक्रिय रूप से जॉब की तलाश करे, उसके पास उचित कौशल हो, और वो मार्केट प्राइस पर जॉब करने को तैयार हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि सर उसकी जो वैल्यू थी 10 हजार रुपए की थी पर मासिक का, लेकिन उसको चाहिए 50 हजार रुपए, का सर हमको जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। तो जॉब की ये 3 शर्तें जो पूरी कर रहा हो और फिर भी उसको जॉब ना मिले, तब हम उसको बेरोजगार व्यक्ति कहेंगे, ठीक है, तब हम लोग उसको बेरोजगार व्यक्ति कहेंगे। अच्छा, बेरोजगार व्यक्ति की कुछ प्रकार होते हैं, बेरोजगारों के, बेरोजगारी के कुछ टाइप्स होते हैं, पर उन टाइप्स को देखने का प्रयास करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है उसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहता है। इसी को मैं हिडन बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी कहता हूं। बात समझना क्या होती है भाई, जनरली जो पूरा सीनेरियो होता है ना, ये आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे मान लो अगर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग 1 महीने में 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कल को इन्हीं 4ों में से, ठीक है, किसी के 2 बच्चे हो जाएं और 2 बच्चे भी इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है, 2 बच्चे भी जिनकी उम्र 18+ हो, ठीक है, मैं बाल मजदूरी नहीं करा रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, उनकी उम्र 6, मतलब वो 6 लोग यहां पर टोटल काम करने के लिए तैयार हो जाएं, और फिर भी अगर प्रोडक्शन 100 वस्तुओं का ही हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो 2 लोग एक्स्ट्रा शामिल हुए, उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी, जो उनकी सीमांत उत्पादकता थी, ठीक है, बात समझना, मतलब क्या कि इन 2 लोगों के आने से प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 0। तो जब 0 चीज यहां पर बढ़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब अगर इन 2 लोगों को यहां से मैं निकाल भी दूंगा, फिर भी हमारे प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। बात है, क्लियर हो गया? जनरली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे कि मानो एक भूमि है, ठीक है, 1 हेक्टेयर की,
मान लो 1 हेक्टेयर की भूमि है, इस पर परिवार के 4 सदस्य जॉब करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। कल को यहाँ पर 2 लोग जॉब करने के लिए और आ गए, परिवार के सदस्य थे घर पर खाली बैठे हुए थे, तो घर वालों ने कहा कुछ तो काम कर लो बेटा, तो उसने कहा अच्छा ठीक है सुबह सुबह से यहाँ पर मैं भी काम करना प्रारंभ कर दूंगा। अच्छा, इन लोगों के आने से पहले जो प्रोडक्शन था वो 100 किलो गेहूं का था, ठीक है, अभी जो प्रोडक्शन है वो भी 100 किलो गेहूं का ही है, तो इनके आने का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं मतलब हुआ, ये कहीं और पर जाके जॉब करते तो उनको वहाँ पर कुछ पैसे मिलते, यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है वो 0 है। और जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। और भारत के कृषि सेक्टर के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही समस्या है कि वहां पर आवश्यकता से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आवश्यकता सिर्फ 100 लोगों की है, काम वहां पर 500 लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यही समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे यहां पर इनिशिएटिव लाती है, वहां के लोगों को स्किल देती है ताकि वो लोग किसी और जॉब में वहां पर शामिल हो सके, ठीक है। और देखो भाई, इसी प्रकार बेरोजगारी का एक प्रकार तो कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नोट कर लेना भाई, ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? जैसे भाई नाम से बहुत सिंपल सा स्पष्ट है कि किसी वर्ष के निश्चित महीनों में जब किसी को जॉब नहीं मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसी निश्चित महीनों में। जैसे कि मानो कोई खेतियर मजदूर है, ठीक है, मानो कोई खेतियर मजदूर है, ठीक है, और सारा काम हो चुका है, अब कुछ काम बचा नहीं वहां पर, मतलब कि पानी डालना या फिर बीज डालना काम सब हो चुका है, बस अब वहां पर देखना है कि फसल कब बढ़ रही है, ठीक है। तो 2-3 महीने का जो गैप होता है ना, उस गैप में खेतियर मजदूरों के पास कोई जॉब नहीं होता है और वो उस टाइम पर बेरोजगार होता है। और ये साल के उन 2 महीनों में हमेशा होगा, आप कुछ भी कर लो उन 2 महीनों में साल के वो हमेशा होगा। जैसे कि आप देखो जो चीनी मिले होती हैं, ठीक है, जो गन्ना किसान होते हैं, जो चीनी मिले होती हैं, उन चीनी मिलों में क्या है भाई, गन्ना का प्रोडक्शन एक स्पेसिफिक सीजन में होगा और उस सीजन के बाद जब गन्ना का प्रोडक्शन हो चुका है, वो गन्ना मार्केट से चीनी मिलों में आ चुका है, चीनी का प्रोडक्शन हो चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है, तो 3-4 महीनों के लिए चीनी मिलें क्या होती है, प्रॉपर बंद हो जाती हैं। और जब वो चीनी मिलें बंद होती हैं तो वहां पर काम करने वाले लोग क्या होंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोग के टर्म में समझाऊं, शहरों के टर्म में समझाऊं, आइसक्रीम फैक्ट्री आप लोग देख लो, ठीक है, जितनी आइसक्रीम फैक्ट्रियां हैं भाई ठंडी में, ठीक है, कितने लोग आइसक्रीम खाते होंगे? अगर नॉर्मल गर्मी में 100 लोग खाते होंगे तो ठंडी में आइसक्रीम खाने वाले संख्या 5 होती होगी, ठीक है, 5 होती होगी, नॉर्मल बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी 95 डिमांड यहाँ पर खत्म हो गया, जब डिमांड खत्म हो गया तो इस क्षेत्र में लगे हुए जो लोग थे, जो श्रमिक थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये हमेशा आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक बार अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बना रहेगा, अगले सीजन में फिर से जब नया सीजन स्टार्ट होगा तो इन लोगों को जॉब फिर से वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भारत में एक और समस्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अगला जो प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, बात समझना, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक बार समझने का प्रयास करना, अगर आप समझ गए तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि मार्केट में मानो एक नौकरी अवेलेबल है, ठीक है, नौकरी है मार्केट में, ठीक है, लेकिन उस नौकरी के लिए जो लोगों को स्किल चाहिए वो स्किल मार्केट में नहीं है, ठीक है, लोगों के पास, श्रमिकों के पास वो स्किल नहीं है। तो स्किल और नौकरी में जो डिमांडेड स्किल है उनके बीच में जब डिसबैलेंस और संतुलन उत्पन्न होता है और इसके कारण से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आवश्यक कौशल की कमी के कारण से बेरोजगार होते हैं। भारत में जॉब की कमी नहीं है, बात समझना, भारत में जॉब की कमी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर अभी भारत डेवलपिंग फेज में, डेवलप्ड हो रहा है, आप देखो तो लोग कुछ ना कुछ जॉब करे काम कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो कौशल नहीं है। नौकरी में डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अच्छा लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है, तो लोग जॉब कहां से कर पाएंगे। अब आवश्यकता है 3D प्रिंटिंग को हैंड ओवर करने की, 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, लोग 3D प्रिंटिंग का नाम ही नहीं सुने हुए हैं। तो मशीन लर्निंग की आवश्यकता है यहां पर मशीन लर्निंग किसी को आती ही नहीं है। तो जब मार्केट में जो नौकरी विद्यमान है उस नौकरी के लिए जो कौशल चाहिए, जो स्किल चाहिए, उस कौशल में और जो श्रमिक जो जॉब की तलाश में है उनमें जब डिसबैलेंस उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये होता है, देखिए कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि भारत में या फिर जिस भी देश में बेरोजगारी होगी वहां पर शिक्षा के लिए हमने प्रयास नहीं किया, हमने लोगों को स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। इसलिए आप लोगों को पता है कि भारत में कौशल मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय है जो कि स्किल के लिए बहुत सारे वर्क करता है। आप लोगों को पता है ना कि मिनिस्ट्री जो काम करती है वाली, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में स्किल डेवलप करने का कार्य करती है और उसके लिए मिनिस्ट्री बहुत डेडिकेटेड है। तो इस मिनिस्ट्री की यहाँ पर ये भूमिका होती है, ठीक है। और देखो भाई आप लोग, इसी प्रकार से होता है चक्री बेरोजगारी, हम लोग कहते हैं उसको,
चक्री बेरोजगारी, ठीक है, आप लोगों का जो चौथा प्रकार होता है इसको हम चक्री बेरोजगारी या फिर हम कहते हैं साइक्लिकल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा ये क्या अनएम्प्लॉयमेंट होता है भाई? तो ये एक व्यापार चक्र का परिणाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो आर्थिक विकास और मंदी, ठीक है, इनके बीच में जब चक्र घूमता रहता है ना, तो जैसे आपका डेवलपमेंट होगा लोग रोजगार पाएंगे, फिर जैसे मंदी आएगी क्या होगा, लोगों के रोजगार समाप्त होने लगेंगे, और ये एक दूसरे को पुश करती रहती है। और जब ये पूरी घटना से घटती बढ़ती रहती है, इसी को हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, चक्री बेरोजगारी। कि आर्थिक मंदी आया तो लोगों के जॉब चले गए, ठीक है, और जैसे आर्थिक डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हुआ क्या होगा, लोगों को जॉब फिर से वहां पर प्राप्त होने लगे, ठीक है। तो जो साइकिल यहां पर बनता है ना, उसी साइकिल को हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर चक्री बेरोजगारी, ठीक है। बात क्लियर हो गया? एक और दो, दो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार और हैं, उनको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। पांचवा और छठवा, छठवा मैं पहले आप लोगों को बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, घर्षण बेरोजगारी, ठीक है। कहोगे सर ये घर्षण कहां से आ गया, साइंस कहां से आप पढ़ाने लगे, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो घर्षण बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है और उस तलाश करने के प्रोसेस में उसने अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिया, ठीक है, या फिर उस स्विच करने के दौरान उसने पुरानी नौकरी को छोड़ दिया, तो जो एक लंबा फेज या फिर एक छोटा सा फेज बीच में बनता है ना, जहां पर उसके पास रोजगार नहीं होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो बेरोजगारी होती है दरअसल ये स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। अब बात समझना, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो मेरी कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब लगी, ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मानो, ठीक है। तो इस पूरे फेज में जो यहाँ पर एक गैप बना, जहाँ पर मेरे पास एक लिटरली जॉब तो थी, मैं जॉब कर सकता था, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ और काम करना था, मुझे अपने आप को कहीं और इम्प्रूव करना था, और उस प्रोसेस में जब मैं बेरोजगार था उसको हम लोग कहते हैं घर्षण बेरोजगारी या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने स्वैच्छिक रूप से अपने मन से बेरोजगार बैठा हुआ। बात क्लियर है ना? जैसे कि आप में से मानो कुछ लोग होंगे जिनका मानो कहीं पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया, ठीक है, मानो किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो गया और उस सिलेक्शन के पश्चात वो अपने उस जॉब से बड़े जॉब के लिए, ठीक है, उससे ऊपर के जॉब के लिए तैयारी कर रहे, मानो वो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस पूरे फेज में जब उन्होंने जॉब छोड़ करके बैठे हुए थे तब वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उस बेरोजगारी को ग्रहण किया था, ठीक है। तो यहां पर नौकरी की कमी नहीं होती है, यहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में, बेहतर अवसर की तलाश में लोग क्या करते हैं, बेरोजगार बन जाते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सूचक है, एक गुड इंडिकेटर है कि लोग अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में कार्य करता है, ठीक है, कि श्रमिक अपनी इच्छा से अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करने के लिए अपने पुराने जॉब को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट और होता है, इसको हम कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टेक्निकल या फिर तकनीकी बेरोजगारी। अच्छा टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा भाई? ठीक है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है कि मानो मार्केट में अगर प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा है, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस के परिणाम स्वरूप जो अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होगा, जैसे मानो, ठीक है, मानो मशीनीकरण हुआ कृषि सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, और थ्रेसर मशीन आ गया, हार्वेस्टर के लिए मशीन आ गया, ठीक है, और तमाम तरह की मशीनें आ गई मार्केट के अंतर्गत, तो जब मशीनें आएंगी, मशीनीकरण होगा, तो उससे क्या होगा कि बेरोजगारी उत्पन्न होगी, बेरोजगारी उत्पन्न होगी, और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहते हैं। बातें बहुत सिंपल सी हैं, बातें बहुत क्लियर सी हैं, ये बातें आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के छह प्रकार यहाँ पर हमने देखे, हमने इन्फ्लेशन के बहुत सारे प्रकार देखे, और अब देखना प्रश्न जो बनते हैं ना, बेसिक जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न यहीं से बनेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, मैं आप लोगों को प्रश्न दिखाता हूं। अच्छा कल मैंने आप लोगों को बहुत सारे होमवर्क दिए थे, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप लोगों ने वो होमवर्क करके आए होंगे। अगर आप वो होमवर्क करके नहीं आए हो तो देखो फिर मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम बस इतना है कि मैं आप लोगों को पुश कर सकूं, ठीक है। फ्री टाइम बैच आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आप पढ़ते हो ना, हम लोग वहां पर वही है, हम लोग आपको एक सिर्फ धक्का लगाने के लिए, मैं आपको थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा, बाकी काम आपको अपने से मैनेज करना है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया भी था, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था, लेकिन वो कमेंट मुश्किल से 10 लोगों ने किया होगा, बाकी लोगों ने सिर्फ वीडियो को देखा है। तो अगर आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्री टाइम बैच का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, टारगेट ये है कि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चले, तो आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्न में एक बार आप लोगों को दिखाया था, जो मैंने 5 प्रश्न आप लोगों को कल की क्लास में होमवर्क दिया था, उनका मैं सॉल्यूशन आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आज की क्लास के लिए आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दूंगा, जिनको आप लोग प्रैक्टिस करके लेकर के आना, ठीक है। देखो भाई
मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, प्रश्न यहां पर ये पूछा हुआ है। ठीक है, दो स्टेटमेंट पहला पढ़ना है पर ध्यान से। ठीक है, यूपीएससी 2015 में ये प्रश्न आया हुआ था और बहुत बेसिक प्रश्न है। जो बेसिक प्रश्न है समझने का प्रयास करना। पहला है कि भारत में महंगाई को नियंत्रित करना भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है। डिस्कस किया था ना अभी हमने, जब मैंने आप लोगों से कॉस्ट पुश डिमांड पुल और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बताया था, तब मैंने बताया था कि वहां पर आरबीआई की और गवर्नमेंट की दोनों की भूमिका कैसे होती है। मान लो वो आपको पॉइंट नहीं पता है, छोड़ दो उस पॉइंट को। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो कि आरबीआई की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कोई भूमिका नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सत्य बनेंगे, अगर बनेंगे तो। अगर इन दोनों कथन में आपको कंफ्यूजन है तो दोनों कथन सिमिलर बातें लिखी हुई है। पहला कथन कह रहा है कि सिर्फ सरकार की भूमिका है और सेकंड कह रहा है कि आरबीआई की भूमिका नहीं है, तो दोनों कथन सिमिलर हुए ना। तो दोनों कथन साथ में तो सही हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का सही होगा। मतलब क्या कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत दिए हुए थे। ठीक है, अब बताए सी और डी। कह रहा कि मुद्रा परिसंचरण में मनी सर्कुलेशन में कमी करने से इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। सही बात है भाई, जब मार्केट में मनी नहीं रहेगा तो लोग डिमांड कहां से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला विकल्प सिंपल से यहां पर सही हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। अच्छा, और मनी सर्कुलेशन को कम करने के लिए क्या होता है, किसकी भूमिका होती है, आरबीआई की, हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, और देखो भाई अगला प्रश्न पढ़ो। कह रहा कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से उसके बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए। ठीक है, पहला कह रहा है, कह रहा कि एक्सपेंसिवनी पॉलिसी जो विस्तारक नीति है गवर्नमेंट की, उनकी बात कर रहा है। तो देखो, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मतलब लोगों के पास क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है और इस वजह से क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो जब हम विस्तारक नीतियों को अपनाएंगे तो क्या होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। सही बात है, राजकीय प्रोत्साहन डिमांड बढ़ेगा। सही बात है, फिजिकल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ कुछ प्रोत्साहन गवर्नमेंट लोगों को और कंपनियों को दे रही है। ठीक है, अच्छा, मुद्रास्फीति अनुक्रमण मजदूरी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की बात कर रहा है। देखो, यहाँ पर टर्म बहुत क्लियर है। अगर यहाँ पर सिंपल सा एक पॉइंट ये था कि मुद्रा मजदूरी में वृद्धि, तो मैं मानता कि ये कथन सही होगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज की बात कर रहा है, मतलब कि जितना महंगाई बढ़ा था सिर्फ उसके रेट के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि व्यक्ति की इनकम को बढ़ाया गया है। ठीक है, ताकि वो बस इन्फ्लेशन के निगेटिव इंपैक्ट को कम कर सके। मतलब यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, और जब डिमांड नहीं बढ़ेगा तो ये डिमांड पर इन्फ्लेशन का कारण बिल्कुल नहीं बनेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर देखो, उच्च क्रय शक्ति, अगर लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा हो रही है तो ये बात सही है। अच्छा, ब्याज दर बढ़ेंगी तो लोग लोन नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, लोगों के पास कैश नहीं रहेगा, और कैश नहीं रहेगा तो क्या होगा, लोग डिमांड चीजों को कम करेंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा, डिमांड पर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी नहीं। तो इसका क्या स्टेटमेंट होगा, 1, 2 और 4, ए वाला विकल्प जो था वो आप लोगों का यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगला देखो भाई, अच्छा अगला पॉइंट बहुत सिंपल है, हमने आपने डिस्कस किया था कि जो कर्जदार होते हैं उनको क्या होता है। ठीक है, जैसे मानो समझना, एक था जिसने कर्ज दिया, ठीक है, और लेंडर और बॉरोवर ऐसे होता ना, नहीं हाँ लेंडर बॉरोवर समथिंग कुछ होता है, मैं हिंदी बात करता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने कर्ज दिया और एक जिसने लिया। भाई, जो लेता है ना कर्ज वो हमेशा फायदे में रहता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो, ठीक है, और जो कर्ज देता है वो हमेशा नुकसान में जाता है। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि कैसे, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं याद है एक बार पुरानी क्लास फिर से चेक कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अच्छा, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट वो बॉन्ड धारकों की बात कर रहा है। बॉन्ड धारकों के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे ना, जब मैं आप लोगों से कैपिटल मार्केट मनी मार्केट डिस्कस करूंगा तब वहां पर मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो इस स्टेटमेंट को अभी चाहो तो आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा था लेकिन उसने दोनों पॉइंट को मिक्स कर दिया था, हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा एक पॉइंट नहीं पढ़ा। तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब भी टॉपिक आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई अगला पढ़ो, अपस्फीति। ठीक है, अपस्फीति मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डिफ्लेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन। अच्छा, अपस्फीति को हम लोग मुद्रा संकुचन भी कहते थे, आप लोगों को पता होगा मुद्रा संकुचन, जो कि इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर से लगातार यहाँ पर क्या होती है, गिरावट होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। इसी प्रकार से एक टर्म और था, मैंने आपको कहा था अवस्फीति, ठीक है, या फिर डिस इन्फ्लेशन, मैंने आपको समझाया था, वो अलग होती है टर्म, वो टर्न बिल्कुल अलग होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस किया होता, देख लेना एक दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर अपस्फीति या फिर मुद्रा संकुचन की बात कर रहा है, जिसका इंग्लिश डिफ्लेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि इन्फ्लेशन का अपोजिट टर्म है। और देखो भाई, किसके प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रा स्फीति कारी होने की संभावना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति कारक निम्नलिखित में से किसके कारण होने की संभावना है, प्रश्न यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो मुद्रास्फीति कब बढ़ेगी,
देखो सार्वजनिक ऋण की चुकौती देखते हैं बाद में, बजट घाटे को वित्त करने के लिए जनता से उधार लेना कोई मार्केट में बात नहीं है, जितना पैसा था उतना पैसा वहीं पर सर्कुलेट हो रहा है ठीक है। बजट घाटे को वित्त करने के लिए बैंकों से उधार लेना, फिर भी पैसा वहीं पर सर्कुलेट हो रहा है ठीक है। बजट घाटे को वित्त करने के लिए नए पैसों का निर्माण करना, आप लोग सोचते हो ना कि सर महंगाई बढ़ गया है तो क्यों नहीं आरबीआई नए नए नोटों को छाप लेती है, आरबीआई के पूरे हाथ में है ना नोटों को छापना, छाप लो जितने मन करो उतने नोट छापना है, सब चीज कंट्रोल में रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मार्केट में आरबीआई बजट घाटे को बैलेंस करने के लिए नए नोटों को छापना प्रारंभ कर देगी ना तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जैसा मनी का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस उस मुद्रा की जो क्रय क्षमता होगी ना वो घट जाती है, और सबसे मुद्रास्फीति कार्य होने की संभावना यहीं पर होती है जब हम नए पैसों को निर्माण करते हैं, नए नोटों को छापते हैं ठीक है। इसीलिए कभी भी नोटों को छापने से पहले बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को ठीक है, कि कितने नोट छपेंगे, कितनी मात्रा में छपेंगे, कैसे छपेंगे, पुराने नोटों को कैसे बजाया जाएगा, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। इसीलिए नए नोट छापना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ध्यान रखना ठीक है। नोट छापने से सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ पर प्रश्न हो गया। अब देखो भाई आज की क्लास के लिए आप लोग सामने कुछ प्रश्न है, मैं प्रश्न दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों को नीचे आंसर दिख जाएगा ठीक है, इसके जस्ट नीचे आंसर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दो तीन प्रश्न बता दे रहा हूँ। देखो प्रश्न प्रच्छन्न बेरोजगारी पर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पर है ठीक है, इसी प्रकार से कुछ बहुत सारे प्रश्न नीचे और दिए गए ठीक है। मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, आप लोग प्रश्नों को अटेम्प्ट करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ठीक है अपने आंसर को कमेंट कर देना कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को चीजें कितना समझ में आ रही है। तो ये आप लोगों की आज की क्लास थी, उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक बार आप लोग अपना रिव्यू ध्यान रखो भाई, देखो अगर आप लोग अपना रिव्यू क्लास की शुरुआत में क्लास के एंड में जरूर हम लोग को नहीं शेयर करोगे तो हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं हो रही है, और कैसे चीज़ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीने के राउंड तक हम लोग की डेली एक क्लास आप लोग को मिलती रहेगी ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासेस की संख्या को डबल करेंगे सीधे ठीक है, एक से दो कर देंगे डेली दो क्लासेस, ताकि आप लोगों को ना स्पीडी क्लासेस मिलने लगे। अब आप लोग हमें प्रैक्टिस करना प्रारंभ करो। अभी क्या है, अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ा थोड़ा मेंस की तैयारी पहले ही कर रहे होंगे, तो इसलिए अभी हम लोग क्लास को फ्रिक्वेंटली आराम से लेकर चल रहे हैं। एक महीने तक हम लोग क्लास को स्पीड यही रखेंगे, एक महीने के बाद से क्या होगी डेली दो क्लास आप लोगों को मिलेगा, तो क्लासेस वहां पर आप लोगों की बैलेंस हो जाएगी ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट सेक्शन में क्लास के रिव्यू जरूर देना ठीक है, बताना जरूर कि क्या इकोनॉमिक्स इससे अच्छे से कभी आपने पढ़ी थी, जितना बहुत ही क्लियरली और बहुत सिंपल टॉपिक्स में सिंपल टर्म्स में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या इकोनॉमिक्स आप लोगों को समझ में आ रही है। अपना रिव्यू जरूर देना, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जय भारत।